मेरे भाइयों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, क्या हाल है। अल्लाह पाक आप सब पे अपना करम फरमाए जी। ले जी वीडियोस का आगाज़ करते हैं। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है जी, धूप भी बड़ी तेज़ निकली हुई है, हवा भी बड़ी तेज़ निकली हुई है। ये नीली उड़ी है, देखो हवा देखे ना उड़ा के लेके जा रही है। ये मेरे कबूतर उड़े, ये माशाल्लाह मौसम हो गया जी बेहतरीन। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी उड़ाने के मामले से, बच्चे भी खोलेंगे इंशाल्लाह। आज है जुमेरात तो कल है जुम्मा, ये दो दिन ज़रा बसंत के हैं। कल इंशाल्लाह जुमे वाले दिन बसंत ख़त्म हो जाए, फिर हफ्ते से इंशाल्लाह रूटीन में बनाएंगे। तो वो एक देखें जी पट्टी आके बैठी हुई है, ये भाई ये कल टावर पर आके तकरीबन 8-10 दफ़ा टावर पर आके बैठी है। तो रंग भी मेरे वाले लगे हुए हैं, इसको पोटा रंग लगा हुआ है जी, ठीक है। तो मेरी जो ना परियाँ नहीं लगी हुई, ये परियाँ भी लगी हुई हैं साथ, अंदर कच्छों में भी सब्ज़ रंग लगा हुआ है, मेरा खाली पोटों पे रंग था सब्ज़। तो ये जो सी ना मादी कल की आई हुई है, जहाँ टावर पे बैठ 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 के ना, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, खुद ब खुद ही आ जाएगी। रात को ये गुड्डे में किसी तरह अंदर बढ़ गई, अब मैंने गौर नहीं किया इसको, वो इस वजह से क्योंकि इसको रंग भी जो था ना अपना सब्ज़ लगा हुआ है, तो मैंने गौर नहीं किया, मैंने कहा जाए पता नहीं अपनी ही होगी। तो सुबह मैंने उड़ा दिए, मतलब निकाल दिए कबूतर, मैं जाके फिर थोड़ी देर लेट गया था। तो ये जब मैं अब आया हूँ तो अब देख रहा हूँ कि ये कबूतरी जो था ना जाल पे कभी इधर हो रही है कभी उधर हो रही है, मैंने कहा हाँ ये तो कल टावर वाली है, तो देखें वो बैठ ये बैठ। तो भाईजान मैंने इसको बंद करने की कोशिश की है, ये उड़ जाती है, दो तीन बार मैंने कोशिश की है ये उड़ जाती है, उड़ के फिर फरा के फिर जाल पे बैठ जाती है। फिर मैंने कहा नहीं इसको ज़रूरत ही नहीं है अंदर करने की, ये हिल गई है, तो मेरे 8-8 के साथ साथ 8-8 गली की है। तो चलो इसी तरह ही है जी, हमने आपको बताया इसी तरह ही कबूतर हिल जाते हैं, उसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता लग जाता है कि इस कबूतर ने कहीं नहीं जाना। ये लीली आ रही है जी, ये देखिए ये ऊपर से ये लीली खेल रही है, मज़े कर रही है। ये देख रहे हैं सारे कबूतर बच्चे बस इंतज़ार में हैं कि हमें खोले, तो इंशाल्लाह अब इनका टाइम आ गया, तो इनको कल से इंशाल्लाह कल बल्कि जुम्मा है कल बसंत है, परसों से इंशाल्लाह हफ्ते से ना इंशाल्लाह ये खोलेंगे जी, ये बड़ा मज़ा करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये देख लीजिए ये सारी साड़ी, ये मैंने कहा चले छोटी सी वीडियोज़ बनाता हूँ। और कबूतर खुले होना जी, कबूतर आ ही जाता है, ये देखें मादी आ गई, ये देखें ये पट्टी आई है, कड़ी पता नहीं किस नाम की पड़ी है कि नंबर की पड़ी हुई है। तो जो ही ये उतरती है पकड़ता हूँ फिर कड़ी भी दिखाता हूँ आपको, अब ये उतर जाएगी। ये कल की उतरी हुई है नीचे, मुझे महसूस नहीं हुआ ना क्योंकि मेरा भी सब्ज़ रंग लगा हुआ है फोटो पे, तो ये भी देखे ना इसके परियों में रंग लगा हुआ है, मेरे परियों का रंग नहीं है, ये आ गई है, ये कल भी आ ही रही है। तो मैंने नहीं गौर किया इस पर, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अभी मैं जाल पे आया तो मैंने और किया, मैंने कहा ये मेरी नहीं बैठी हुई, ये बाहर की तरफ से आई हुई है, तो इसको दाना खाने देते हैं जी, दाना खा ले फिर इसको मैं पकड़ के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें सारे दाना खा रहे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं, दाना डाल दिया मैंने। मैंने कहा चले भाई दोस्तों से कोई छोटी सी वीडियो शेयर करते हैं। ये देखें ये उड़ के अंदर गए हैं, वो माटी भी पट्टी भी फिर उड़ गई है, आवाज़ आ रही है ना, वो कचरा पड़ा हुआ है ना, शापर पड़े हैं, बच्चे यहाँ पे बिस्किट खाते हैं, आजकल छत पे आते हैं तो गंद पड़ा हुआ है। मैं कह रहा था सफाई करूँगा इंशाल्लाह इनकी छत की सारे की। तो ये देख ले जी ये मादी है, चले मैं इसको पकड़ के लाता हूँ आपके सामने, अंदर करता हूँ अगर अंदर चले जाए, चले जाएगी क्योंकि रात भी अंदर ही गई है ये नहीं, ये जा रही है अंदर गई, ये वादी आपको दिखाते हैं ये क्या चीज़ है, ये देख लें इसी तरह ही आ जाते हैं कबूतर, छेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। कल की टावर पे बैठ रही है जी किसी की, बस नहीं घर जा रही वापस, ये वाली वादी है जी, ये पट्टी है दिखाता हूँ आपको, ये वाली है जी ये, इसको ये देखें ना हल्का सा पोटा रंग लगा हुआ है और कच्छे रंग लगी हुई है, ये माती है, ये मैं आपको शो कराता हूँ इसका आग का। कैसे दिखाए कैसे ये ले जी, चल ये देखेंगे
ये मादी की पट्टी की आइज है जी, पट्टी तो अच्छी है, मेरे 8-8 9-9 कली की है आइज, देख रहे हैं माशाल्लाह। इसी में क्रॉस डाला हुआ है सियालकोटी और कसूरियों में घर बैठाने के लिए, देख रहे हैं माशाल्लाह आइज तो बहुत अच्छी है इसकी। इसका पार भी दिखाता हूँ, ये पार है, ये पार है, ये तकरीबन 8-8 कली की 9-9 कली की है जी, ये बकरी है जी, ये माशाल्लाह। उड़ गए हैं जी मेरे कबूतर, हवा बहुत तेज़ है, कबूतर उड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये नीचे करके इसको दिखा रहा हूँ आपको सारा, ये मादी है जी, ये बड़ी तेज़ है जी, हाथ से निकल रही है, ये ऐसे ये वाली, चल इधर देखे, इधर देख, ये जी ले जी छोड़ देते हैं, इधर जाना जाए, ये ले जी, ये फिर जाल पे बैठ गई है, ओहो कड़ी नंबर नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, अब इधर ही है, अब इसने किधर जाना। ये छोटी सी वीडियोस थी जी, देख लें इस बार खुद ब खुद ही आते हैं जी, तो इस तरह हिल भी जाते हैं जी, ये पट्टी निकली हुई है, अब जाल पे फेर रही है, आगे पीछे जा रही है, इसने किधर जाना, रात को भी अंदर कुटे में चलेगी, मुझे पता ही नहीं चला, रात को दरवाज़ा लगा के मैं चला गया, तो सुबह निकाली है तो मैंने सुबह भी नहीं देखा, अभी आया हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, मैंने कहा चले देखूँ क्या इसका सिस्टम है, देखा तो जाल पे बैठी हुई, मैंने कहा ये कड़ी मेरी नहीं लग रही और मादी भी मेरी नहीं है, तो मैंने कहा चलो देख लेते, ये नीली बैठ रही है ये, और कल इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जी, बस 1-2 दिन रह गए हैं, फिर अपने जोड़ों के रिजल्टेड बच्चे निकालेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या करते हैं, और उम्मीद हूँ, बड़े शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ जी, माशाल्लाह थोड़े हैं लेकिन सुथरे हैं, रिजल्टेड है, हमने उड़ाने हैं, शौक करना है जी, बस इनको सुबह उड़ाया करेंगे जी, फिर बैठने की वीडियो, सुनाने की वीडियो आपके साथ शेयर किया करेंगे, तो इसी दुआ से इल्तिजा से आपसे कहते हैं कि जी बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को वॉच किया करें जी, माशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप भी बहुत अच्छा जा रहा है, बच्चे अब और भी निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तारे भाई को भी दिए हैं बच्चे, कल तारा भाई ले गया 7-7 6-7 बच्चे ले गया जी माशाल्लाह, अपने पसंद के बच्चे ले के गया जी, इसके बच्चे दो, इसके भी बच्चे दो, इसके भी बच्चे दो, ये देखिए ये भी बच्चा है, ये भी अंडे खोल रहा है बस नर, ये बच्चे दो बड़े हुए, ये मेरे बांका है जी, ओफल के बांका कह रहा हूँ, फिरोजपुरी के बच्चे हैं जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छा कलर निकाला है इन्होंने, ये मेरे 3 नंबर के बच्चे हैं जी, ये दारा भाई मांग रहे हैं, ये बच्चे ज़रूर देने हैं क्योंकि ये बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये 4 नंबर की मादी बैठी हुई है, ये भी बच्चे माशाल्लाह अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ज़ाया कोई नहीं अभी तक हुआ जी, ये नीचे जो सा बटेरे के बच्चे हैं, ये भी बटेरे का बच्चा है, इसी तरह ही है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी सेटिंग जा रही है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह सिस्टम बना हुआ है, कबूतर काम कर दिए हैं जी माशाल्लाह, क्या करना इतना खलारा डाल के, बस इन्हीं से शौक करेंगे जी, इन्हीं से इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है भाइयों आपसे लेते हैं इजाज़त जी, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में दोबारा, कल हमारा तो डेली ब्लॉग्स होता है, हम डेली बनाते हैं जी वीडियोज़, तो भाई वो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स किया करो यार, आपसे आपकी मेहरबानी है, इल्तिजा है आपसे, मकसद हमारा बस सिर्फ यही होता है कि चले एंटरटेन आप भी हो हम भी हों, इससे हमारा भी दिल लगा रहता है, हम भी बैठे रहते हैं, पहले बैठ बूट के चले जाते थे, चलो अब गप्पे शप्पे लगाते हैं, उस दौरान कबूतर भी कोई आ जाता है बाहर से वो भी दिखा देते हैं, कुछ अपने जोड़ों का भी आपको शौक करा देते हैं, तो माशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप मेरा बहुत सीज़न बहुत अच्छा रहा है जी, बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह, बच्चे पले भी हैं, उड़े भी हैं, मरे कोई नहीं है, ज़ाया कोई नहीं हुआ, बीमार कोई नहीं हुआ, हालांकि भाई बाहर से कबूतर लाया था लेकिन कोई बीमार नहीं हुआ, माशाल्लाह फिट फाट है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि इनके साथ साथ मेडिसिन भी देता रहता हूँ, इनकी देखभाल करता रहता हूँ, ज़रा सा कोई ढीला मट्ठा होता है तो इसको मैं गोलियाँ दे देता हूँ, हर 2 दिन बाद कोई ना कोई चीज़ पानी में डाल के दे देता हूँ, इसी तरह बचते हैं जी, थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, बाकी अल्लाह का शुक्र है, तो आपसे लेते हैं फिर बस इजाज़त, तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जी, शेख पिजन को, अस्सलाम वालेकुम।